हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर के बीच में जो मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। इससे पहले मैंने कुछ मैचेस के जो है ड्रीम इलेवन की टीम जो है मेरे यूट्यूब के चैनल पे नहीं दिया है, लेकिन जो फैंटेसी टीम ऑन की एप्लीकेशन है उस पर मैंने जो है सारी अपडेट और टीम ज़रूर दिया है। तो अगर आपने अभी तक मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। और इस मैच के बारे में मैं आपको कुछ ग्रैंड लीग की टिप भी जो है शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोगों को न्यूज़ एंड रिपोर्ट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और प्लेइंग एलेवन। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एप्लीकेशन मेरा हमारा चैनल का खुद का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को जो है ओपन करके सारी न्यूज़ एनालाइज जो पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आरसीबी वर्सेस हैदराबाद के बीच में जो मैच होने वाला है, इस मैच की जो सारी अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे प्लेइंग एलेवन के बारे में ही बात करने वाला हूँ, जैसे शकीब अल हसन, यूसुफ पठान, शिखर धवन, रिधिवान शाह, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ और मनीष पांडे, केम विलियमसन, एलेक्स हेल, संदीप शर्मा एंड राशिद खान। तो सारे जो है लगातार चार मैच जो है कंटिन्यूसली विन कर चुकी है, तो इसी प्लेइंग सेम प्लेइंग एलेवन के साथ, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि कुछ भी चेंजेस हो, तो एस आर एच के टीम में से शायद ही कुछ भी चेंज हो सके। वहीं पे हम लोग बात करते हैं, लगभग जो है मेरे हिसाब से 99% जो है आरसीबी जो है टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, और वो लोग के लिए इस टूर्नामेंट पर कुछ भी नहीं है, तो वो लोग बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकी अगर अगर हम लोग इनकी जो है प्लेइंग एलेवन की देखें, तो लगभग कोई भी प्लेयर ज़्यादातर कंफर्म नहीं है इस मैच के लिए। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप क्विंटन डिकॉक नहीं खेल रहे हैं, तो पार्थिव पटेल ने प्रीवियस मैच पे रन किया है, तो वो विकेट कीपिंग करेंगे। उसके बाद ए बी डिविलियर्स, विराट कोहली, उमेश यादव ने अच्छी बॉलिंग की है, युजवेंद्र चहल और मुरुगन अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की है। इसके अलावा जो है ज़्यादातर प्लेयर जो है डाउटेड है, जैसे कि टीम साउदी ने पीसीपीएस मैच में जो है बैट के साथ रन किया है, बॉलिंग में कुछ नहीं किया। मनदीप शर्मा का टूर्नामेंट जो है अच्छा खासा रहा है, लेकिन उतना इंपैक्ट परफॉर्मेंस नहीं रहा है। वहीं पे कॉलिन डीग्रोम ने प्रीवियस मैच जिताया था, लेकिन लास्ट मैच पर जो है टीम हार चुकी है। तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, तो इसी चेंजेस का आप फ़ायदा उठा सकते हो। कैसे, मैं आपको इसी एप्लीकेशन पे जो है ड्रीम इलेवन टीम देने वाला हूँ। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने प्रीवियस का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं टीम जो अपडेट करने वाला हूँ अराउंड आप समझ लीजिए 4 से मैं अराउंड 6 बजे तक मैं यहाँ पे जो है स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग की टीम जो है मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। फ्रेंड, आप लोग चाहें तो उस टीम देख के अपनी टीम में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के टिप्स के बारे में। इस मैच पर आप क्या क्या ग्रैंड लीग में जो है कर सकते हो, तो फ्रेंड ग्रैंड लीग की जो ड्रीम इलेवन की पॉइंट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है बॉलर्स को ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर जो है बॉलर्स को आप लेने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि राशिद खान, एस आर एच की बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो एक मैच में अगर आप ऐसा कर सकते हो जो है 3 जो है एस आर एच के बॉलर आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बेंगलोर की बात करें, तो बेंगलोर की बॉलिंग में से सिर्फ और सिर्फ उमेश यादव, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी बॉलिंग की है लेकिन उतना ज़्यादा विकेट नहीं निकाला है। राशिद खान बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट भी निकाल रहे हैं, उसे भी लेग स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है। युजवेंद्र चहल वाला यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर मुरुगन अश्विन को भी ट्राई कर सकते हैं। वहीं पर आप चाहें तो यहाँ पर सिद्धार्थ कौरजे विकेट टेकिंग बॉलर है और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। सिंपल सा रूल है, अगर कोई स्पिनर लेग स्पिनर अच्छे फॉर्म में है, यानी वो लोग अगर विकेट लेते हैं, तो आप उसे अपनी टीम में ले सकते हैं। और जो फास्ट बॉलर है अगर वो डेट ओवर में बॉलिंग करते हैं, आप उसे अपनी ड्रीम इलेवन पर टीम पर ले सकते हैं। ये बॉलर्स के लिए सिंपल सा फंडा है। और बैट्समैन के लिए, बैट्समैन पर अगर कोई टॉप 5 पर बैटिंग करता है, तो आप उसे ज़रूर लीजिएगा। जैसे कि आपको शकीब अल हसन, अगर वो टॉप 5 पर बैटिंग करता है या फिर 4 ओवर बॉलिंग करता है, तो ये आप उसे जो है ले सकते हैं। जैसा कि 4 ओवर बॉलिंग शकीब अल हसन करते हैं और टॉप 5 पे बैटिंग भी करते हैं, तो ये आपके लिए मस्ट प्लेयर हैं, और आप चाहें तो इसे कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कॉलिन डीग्रोम को लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह किसी बॉलर्स को भी ले सकते हो।
क्योंकि इनकी जगह जो है लगभग लगभग कंफर्म हैं, लेकिन शायद मिस आउट भी हो सकते हैं। तो फिर हम बात कर लेते हैं बैट्समैन की। बैट्समैन आप सिर्फ और सिर्फ उसे ही लीजिएगा जो कि टॉप फोर पे बैटिंग करते हैं, ठीक है, टॉप फोर पे बैटिंग करते हैं और जो इन फॉर्म है। आउट फॉर्म प्लेयर को लेने की कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसा कि मैं बात कर लेता हूँ युवराज सिंह जैसे बहुत ही आउट फॉर्म पे है, फॉर्म पे नहीं है, तो आप उसे लेने की कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो इस टूर्नामेंट में बहुत सारे लोगों ने उसे एज अ कैप्टन ट्राई किया होगा तो और सारे मैच में जो है फेल हुए होंगे। तो फ्रेंड उसके बाद मैंने यहाँ पे विराट कोहली, ये भी डिविलियर्स आपके लिए दोनों ही मस्ट प्लेयर होंगे। हालांकि प्रीवियस मैच पे अगर आप लोग देखेंगे ये भी डिविलियर्स और विराट कोहली ने रन नहीं बनाया, फिर भी जो बेस्ट टीम ग्रैंड लीग विन किया था उनमें से ये दोनों में से एक उनके टीम में ज़रूर था। तो फ्रेंड आप उसे ले लीजिए, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो शिखर धवन को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से केम विलियमसन क्योंकि अच्छे फॉर्म में है तो हम लोग इसे केम विलियमसन के साथ जाएंगे। वहीं पे एलेक्स हेल ने भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस किया हुआ है। इसके अलावा आप चाहें तो मैकलम, यूसुफ पठान, मनन बोरा की खेलने के चांसेस इसमें आपके बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा विकेट कीपर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो विकेट कीपर पर आपको यहाँ पे क्विंटन डिकॉक अवेलेबल नहीं है, तो पार्थिव पटेल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे और जो है रिद्धिमान साहा को जो है आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो आप अपने मैं आपको एक बार जो है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बता दूँ जो कि मैं भूल गया हूँ बताने आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करते हैं। मैंने विराट कोहली को यहाँ पे कैप्टन, एलेक्स हेल्स को यहाँ पे मैंने वाइस कैप्टन लिया है। तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी आप जो है टॉप फोर में जो चूज़ कीजिएगा। विराट कोहली नंबर थ्री या नंबर फोर पर बैटिंग करते हैं और एलेक्स हेल जो है ओपनिंग करते हैं, तो वहीं पर आप जो है ज़्यादातर टॉप ऑर्डर की बैटिंग और जो है डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। और अगर कोई लेग स्पिनर है और विकेट टेकिंग बॉलिंग कर विकेट ले रहा है इस टूर्नामेंट में, तो उसे जो है आप जो है बॉलिंग करा सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।